सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के? मैं बढ़िया। बस आज पूजा है हमारी, मनसा माता की पूजा है, तो उसकी तैयारी वगैरह चल रही है। पारुल तो अपना सुबह से भोग बना रही है और प्रसाद वगैरह बना रही है, और मम्मी जा रहे हैं अभी नहाने। मैं नहा चुका हूँ और थोड़ी बहुत तैयारी जो कर रहा था वो हो चुकी है। ये देखो, ठीक है। सो ये बाहर वाले रूम में बने का पूजा स्थल, ये बर्तन वगैरह हैं, यहाँ ये स्टैंड बनाया हुआ है। तो जैसे जैसे पूजा शुरू होगी चलेगी, वैसे वैसे आपको बताएंगे दिखाएंगे। देखो पारुल लगी हुई है बर्तन घिसने में। इसमें भी भोग बन रहा है, खिचड़ी का भोग बन रहा है, जो हम पूजा में माता रानी को भोग लगाएंगे। कितने बजे उठा सुबह? 5 बजे। क्या बात है, चलो बढ़िया है। पूजा फिर पूजा में आराम से बैठोगे ना, अटेंड कर पाओगे। मैं भी नहा धो चुका हूँ और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो जो काम कह रहे हैं वो करके दे रहा हूँ। दिखा दिया वो? अच्छा, हाँ। बाकी जैसे जैसे तैयारी होगी बीच बीच में शॉर्ट्स दिखा देंगे। नानू आए, नानू को भी दिखा दो। पंडित जी आएंगे, वो खुद ही आगे दिखने के लिए लग रहे हैं। नानू और तनीषा। तनीषा नानू सिर्फ हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी। नानू घर का नाम है, बाकी तनीषा। अभी पूजा की तैयारियां चल रही हैं। और क्या, बहुत मजा आने वाला है। और क्या, ये हर साल के मेंबर है हमारे। हाँ। सबसे पहले आ गई। हाँ, सुबह सुबह ही। ये देखो, ये है भोग, जो मेन भोग होता है। बाकी तो सिन्नी वगैरह भी बनेगी और फल प्रसाद वगैरह देंगे। क्या बना रहे हो भाभी आप? मैं अब हलवा पूरी बना रही हूँ। ठीक है, पूरी के लिए आटा लगा रही थी और हलवे के लिए वहाँ पे फ्राई हो रहा है ना। ठीक है, मतलब पूरी तरह से मेहनत चल रही है। हाँ। एकासी 7 46 मासों तक मात में
माशोत्तकमाष्टमे श्रावण मांग से श्रावण मांग से शुक्ल पक्षे द्वादश्याम तीर्थ द्वारा शनिवाक्षरे अपन अपन नाम अपन अपन नाम रेभो नम श्री मानसा देवी नम नवग्रहादिताभ नम भगवान विश्व नम महालक्ष्मी नम शिवाय नम नवग्रहादिताभे नम द्वारा सर्व पाप क्षय पूर्वक दीर्घायु पुत्र पौत्र धन मन वांछित फल प्राप्ति स्त्री लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय कायिक वाचिक शांति हेतु ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान प्राप्ति अभीष्ट फल प्राप्ति मयोपादितुभ्यं वाससे पते गृहीहतां सर्वभूषादिकेशोभ्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादितुभ्यं वाससे वाससे प्रतिघटनां श्री परसादिष्टताभ्यो नमः। ओम कांडा तो कांडा पुरुहंति पुरुष अश्वरी देवान दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ओम अम्बे अमबिके अमबाजिके न मान्यति कश्चन सुभद्रिकामं कंपितवासनीमः। ओम श्री कलशादिष्टताभ्यो नमः। ओम फलेन फलितम सचराचरम तस्माद् फलप्रदानेन पुरुणा सन्तु मनोरथां। ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा रक्षा कुरन चतुर्वेदा याव चंद्र दिवाकरो। ओम श्री कलशादिष्टताभ्यो नमः। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापति यत् सहजं पुरस्तात् आयु सकलम प्रतिमुंद सुभियम यज्ञ पवित्रम ब्रह्मा सु तेज पूर्णमा है आदिनिवे प्रभो मया हितानि पूयाते गृहं परमेश्वर भगवान परमात्मने नमः। पुरी ओम सशंख चक्रम सकरीति कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसारुहेक्षणम सहार पक्षे स्थल कस्तुभ श्रीयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम शांताकार भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगनेशदृशम मेघवर्णम शुभांशजम लक्ष्मीकांतम कमलमयनम योगी विधर्यन गणयम वंदे विष्णु भवभयवर्णम सर्वलोकैकनाथम विश्वे नमो नमः। ॐ हिरण्यवर्णाम हरणीसुवस्त्राम चंद्रम हिरमयी लक्ष्मी जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पुगामनिम अश्याम हृण बिंदियम गाम आज बंद है अशपूर्वा रथ मध्यम हस्ती नाद प्रबोधिनी श्रीय देवी मुपहवे शीर्मा देवी दुष्टम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्री मानसा माता देवी नमः। फूल नीचे भी फूल ऊपर भी हिरण्य वर्णाम सुवर्ण चंद्राम चढ़ाएंगे बाद में मांगेंगे हम। अच्छा अजय लीजिए उनको दीजिए बिलपत्र जो है ना ये उधर शुभा करके सारे लोग दीजिए हाथ में उस पाप हो जाए तो बिलपत्र चाहने शिव जी को नष्ट हो जाता है ना। तिलम तिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुर्यायुधम त्रियन पाप संहारम बिलपत्र शिवा करम भगवान के शिव जी के तीन नेत्र है बिलपत्र भी तीन है और तीन जनक पाप जो है नष्ट होता है। काशीवासी निवासनम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादन बिलपत्र शिवार्पणम काशी में वास करने का काल भैरव का पूजा करने का आप बहुत से कन्यादान करने का पुण्य मिलता है। आप प्रयाग माघ मास बिलपत्र शिवार्पणम प्रयागराज में माघ महीना में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। तो बिलपत्र कितना महिमा है भगवान को चढ़ा दीजिए भगवान को चढ़ाइए माता को चढ़ा दीजिए।
दर्शन। मथन वाली रस्सी बनाई गई, इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहलवा दी जो एलाप्रत नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उससे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय आकर मुझे सूचित करना। मानसा देवी की कथा। महाभारत के आदि पर्व की कथा के अनुसार जरत्कारु ऋषि की पत्नी जरत्कारु ही बाद में मानसा देवी के नाम से विख्यात हुई। कथा के अनुसार ऋषि जरत्कारु ने प्रयत्न किया था कि मुझे मेरे नाम वाली कन्या मिल जाएगी और वो भी भिक्षा की तरह, जिसके भरण पोषण का भार मेरे ऊपर न रहे, तो मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर उसे विवाह करूंगा तथा पितरों देवताओं की इच्छा मन खड़े हो क्या मैं जय मनसा माता मैया, जय मनसा माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। जय मनसा माता, जरत्कारु मुनि पत्नी, वासुकी तुम भगिनी, मैया वासुकी तुम भगिनी, कश्यप की तू कन्या, कश्यप की तू कन्या, आस्तिक की माता। ओम जय मनसा माता, सुर नर मुनि गण ध्यावत, सेवत नर नारी, मैया सेवत नर नारी, गंधर्व गंधर्वंतरी नाशिनी, गर्भ धन्वंतरी नाशिनी, हंस वाहनी देवी, मैया जय मनसा माता, मैया जय मनसा धन दात्री, मैया अक्षय धन दात्री, माता पुत्र।